नमस्ते बच्चों, श्रीमती आर एस कालरिया प्राइमरी स्कूल जूनागढ़ में से मैं कनक थान की आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा 7 विषय हिंदी में आज हम कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है तबीयत तुम्हारी आती है। तो इसकी कविता के बारे में हम जानने से पहले इसके कवि के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। तो इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोइरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य कृतियां मिलन पथिक, स्वप्न और मानसी। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, उसे सम्मानित किया गया है उसकी कृति के लिए। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध है। उनकी प्रार्थना जगह जगह पर बहुत ही प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी कि मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुआ। तो इस अपने जीवन में उसने कई सारी कविता संग्रह लिखे, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे और उसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सुबह का वातावरण, सुबह का वातावरण कैसा होता है इस कविता में इसका निरूपण यहाँ कवि ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। उन्होंने प्रकृति का कण कण कैसा दर्शनीय होता है वो भी हमें यहाँ दिखाया है। रिमझिम बारिश में सुबह का मौसम सुहावना होता है, उनका भी निरूपण यहाँ किया गया है। तो इस कविता में इसका सुंदर वर्णन है, प्रकृति का भी वर्णन है और कवि ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ निरूपित किया है। तो आइए समझते हैं हम कविता तबीयत तुम्हारी आती है। देखते हैं इनके बोल के बारे में। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल, कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि समझाते हैं कि सुबह का जो वातावरण है वो कैसा सुहावना है। हम देखते हैं ना सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग में हम देखते हैं तो वातावरण एकदम शांत होता है, पूर्व दिशा में से सूर्योदय होता है, सूर्य निकल रहा है और चिड़िया और पक्षी सभी उड़ने लगते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं, ऐसा सुहावना मौसम होता है। प्रकृति का कण कण है वो दर्शनीय होता है। चिड़िया है जब आकाश में जब उड़ने लगती है और वो जो बोली है कवि को ऐसा लगता है कि मानो कुछ गीत गा रही है। हाँ, चिड़िया है वो मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ गीत गा रही है। फिर कलियों की बात की गई है, कलियाँ फूल जब अभी खिले नहीं हैं तब कलियों का जो रूप होता है, तो कलियाँ बंद है तो धीरे धीरे खिल रही है। तो कवि को मानो ऐसा लग रहा है मानो कि बंद दरवाजे खुल रहे धीरे धीरे। कलियाँ जब बंद होती है तो खिलती है ना, तो इतनी हसीन लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि कवि ने इसे उपमा के रूप में कहा है कि मानो ऐसा लग रहा है कि बंद दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। आगे कहते हैं कि और जब दुनिया पर मुस्काती है, दरवाजे बंद हैं वो खुल रहे हैं ऐसा तो लग ही रहा है, पर दुनिया पर मुस्काती है तो क्या कहा है इसमें, क्यों दुनिया पर मुस्काती है। तो आलसी लोग होते हैं ना, कई लोग सूर्यवंशी होते हैं, सुबह सुबह देर से उठते हैं, जो सुबह जल्दी उठते भी नहीं, तो यहाँ आलसी लोगों पर व्यंग किया गया है लेखक ने, कवि ने यहाँ कहा है कि किस तरह कलियाँ हैं वो लोगों पर, दुनिया के जो आलसी लोग हैं उन पर भुसकाती है, यानी कि उन पर व्यंग करते हुए कहा है कि जब दुनिया पर मुस्काती है, यानी सोई हुई दुनिया पर वो मुस्काती है कि अब जग जाओ, भोर हो गई है, सुबह हो गई है, तुम भी जाग जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ। तो इस तरह हमारे पर
यहाँ लोगों पर व्यंग किया गया है। आगे कवि समझाते हैं कि खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, आपके घर के आसपास में अगर कोई बाग बगीचा है या कोई पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर है, उसमें बहुत सारे फूल आते हैं, तो जब हवा का झोंका आता है ना, हवा की लहरें आती है, तो उसकी खुशबू हमारे घर तक आ ही जाती है। तो यहाँ भी कवि कहते हैं कि खुशबू की लहरें हमारे घर तक दौड़ लगाती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर आ गई और दौड़ लगाती हुई घर तक पहुँच गई है। तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, कई कई के घरों में ऐसे पेड़ पौधे होते हैं तो आजू बाजू वालों के आस पड़ोस वाले के घर में भी उसकी खुशबू आती है, तो ऐसा आप अपने आसपास पड़ोस में भी महसूस कर सकते हो। तो इस तरह कवि प्रकृति का नज़ारा दिखाते हैं हमें, सुबह का नज़ारा, फिर बंद कलियां जो खिल रही उसके बारे में, फिर जो प्रकृति ने पेड़ पौधे जो बनाए हैं उनकी रचना किस तरह की है और उन रचना का हमें किस तरह लाभ लेना चाहिए वो भी यहाँ बताते हैं, और हमारे लिए वो बहुत ही प्रेरणादायी है। सभी सुबह का नज़ारा है वो यहाँ हमें दिखाया गया है। आगे कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तभी याद तुम्हारी आती है। कवि को कब याद आती है, यानी कि इस तरह यहाँ कवि कहते हैं सृजनहार, भगवान को सृजनहार कहा है, सृजन यानी सृजन, सृष्टि की रचना करने वाला, उसको कहा गया है कि तब तुम्हारी याद आती है। ऐसा नज़ारा सब देखते हैं, प्रकृति का अलग अलग नज़ारा देखते हैं, सुबह में चिड़िया जब गाती है तब, फिर जो कलियां बंद है वो खिल रही है तब, और खुशबू की लहरें जब आती है तब कवि को सृजनहार यानी प्रभु की यानी ईश्वर की याद कवि को आती है। आगे की पंक्तियां देखते हैं तो कि जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। तो इस पंक्ति में कवि हमें समझाना चाहते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है, प्रकृति का ये नज़ारा भी कवि यहाँ दिखाते हैं कि जब बारिश की बूंदे गिरती है, छमछम बूंदे जब गिरती है और बिजली चमचम कर चमकने लगती है, तो क्या होता है कि मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। वर्षा ऋतु में आप देखते हो ना, वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्मकाल होता है, हाँ, तो उसमें सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पर जैसे ही बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो हरी हरी घास है वो निकलने लगती है, यानी कि मैदानों में और वन बागों में हरियाली है ही हरियाली दिखाई देती है, और चारों तरफ मानो कि धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो, ऐसा कवि को यहाँ महसूस होता है। तो ये इसीलिए कवि कहते हैं कि मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। फिर आगे कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। कि जब ऐसी बारिश की बूंदे गिरी हो, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो, फिर देखते हैं ना कि बारिश आ जाती है तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है, हाँ, तो वैसे ही यहाँ धरती से चारों ओर जो ठंडी ठंडी हवाएं लहराती है तो मानो ऐसा लगता है कि मस्ती लेकर बहुत सारा आनंद लेकर आइए, ढोकर लाना लेकर आना, तो हवाएं है वो अपने साथ बहुत सारे आनंद खुशी सारे लेकर आती है। ऐसा जब नज़ारा देखते हैं कवि कहते हैं कि हे प्रभु तब मुझे आपकी याद आती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। तो इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर निरूपण किया है, कहाँ कहाँ कैसा कैसा नज़ारा देखते हुए भगवान की याद कवि को आती है, यहाँ उसका सुंदर निरूपण किया गया, उसके लिए उसने अलग अलग उपमा के द्वारा हमने समझाया है कि इसको याद कवि की कब आती है। यानी कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि सृजनहार की प्रभु ने कैसी अलग अलग रचनाएं की है जिनसे हम उसको याद करते हैं,
और उसकी याद हमें आ ही जाती है। तो आशा होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे उनके शब्दार्थ। आइए बच्चों, अभी इस कविता के हम शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ देखें तो सबसे पहला शब्द है चिड़िया। चिड़िया यानी पंछी या पक्षी, स्पैरो जिसको कहते हैं, बराबर। लहर, तरंग या झोंका, हवा का भी हो सकता है और पानी में भी तरंग उठती है तो उसको भी लहर कह सकते हैं, हवा का झोंका भी हो सकता है। सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाला, सृजन करने वाला, रचना करने वाला, प्रभु यानी भगवान, ईश्वर, कुछ भी कह सकते हैं। हरियाली, चारों तरफ हरा भरा हो उसे कहेंगे हरियाली। ढोना, बोझ उठाना या लेकर आना भी कह सकते हैं। तो ये हमारे थे शब्दार्थ। आगे हम पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास के बारे में देखें तो आप पाठ्य पुस्तक में देख सकते हो, अभ्यास में कुछ मौखिक प्रश्न है जो आपसे ही पूछे गए हैं कि सुबह होते ही क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है ना कि कविता में बताया गया कि चिड़िया उठकर गीत गाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों की जो सुगंध होती है वो चारों ओर फैलने लगती है। तो इस तरह इसका उत्तर आप दे सकते हो। फिर आगे का प्रश्न है कि मैदानों में हरियाली कब लहराती है। तो हमारे पोएम में से हमें मिल जाएगा कि वर्षा ऋतु में हरियाली चारों ओर लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है, आगे का प्रश्न है कि आपसे पूछा गया कि आपको प्रभु की याद कब आती है। तो यहाँ कवि ने तो कहा है कि ईश्वर की रचना जब प्रकृति के नज़ारे, वो अलग अलग नज़ारे देखते हैं तब उसको याद आती है। तो आपको कब याद आती है, सूरज निकलता है या चांद निकलता है या तारे देखते हो, तो वो आप अपनी मर्जी से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो आगे है, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो। हम हमारे आसपास में हो रहे जो कार्य है वो देखते हैं। हम तो सबसे पहले तो क्या नज़ारा देखते हैं, सुबह होते ही क्या देखते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, आकाश में जो पक्षी है वो उड़ रहे हैं। तो ये सारी क्रियाएं हैं वो आप लिख सकते हैं जो आस पड़ोस में हो रहा है, कि जो अखबार वाला है वो अखबार देने के लिए जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऐसा सब कुछ यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न है कि चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन करना है, एक वचन का बहुवचन और बहुवचन का एक वचन। तो यहाँ चिड़िया का चित्र दिया है कि चिड़िया उड़ रही है। तो आप लोगों को पता ही है एक वचन का बहुवचन चिड़िया का चिड़िया ही होगा, पर फर्क क्या हो जाएगा, उसमें चंद्र बिंदु लग जाएगा या के ऊपर। तो चिड़िया उड़ रही है और है पर जो बिंदु लगाना है, बराबर, इस तरह हो जाएगा बहुवचन। दूसरा है कली नहीं खिली है, तो उसका बहुवचन होगा कलियां नहीं खिली है। फिर है बूंद गिरती है, तो बूंद का अकारांत शब्द है तो अकारांत का एकारांत हो जाएगा बूंदे गिरती है। फिर बहुवचन दिया है उसका एक वचन करना है कि दरवाजे खुले हैं, तो उसका हो जाएगा दरवाजे का क्या हो जाएगा दरवाजा, दरवाजा खुला है। आगे भी बहुवचन ही दिया है लड़कियां खेल रही है, तो एक नहीं ज्यादा लड़कियां हैं, लड़कियां खेल रही है तो उसका एक वचन हो गया लड़की खेल रही है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तो उसमें दिया है कि शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए, उलट पुलट कर शब्द दिए हैं उनको ठीक करके बोलना है। कि पहला होगा जल ही जीवन है, दूसरा है फूलों में रंग कौन भरता है, प्रश्न किया है तो लास्ट में आएगा प्रश्नार्थ चिन्ह, बादल में बिजली क्यों चमकती है, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। फिर प्रश्न है कि सबसे तेज कौन, बच्चों को पूछना है कि ये कौन है, सबसे तेज कौन है, किस बारे में, कि सात सात छात्र है उनकी टोली बनाई जाए, आप अपने घर में खेल सकते हो, आस पड़ोस में ये खेल खेल सकते हो, और नाम के पहले वर्ण से शब्दकोश के क्रम के मुताबिक आपको खड़ा रह जाना है।
तो सात लोगों के अलग अलग नाम हो तो शब्द कोश के हिसाब से पहले स्वर वाले, फिर व्यंजन वाले, फिर मात्राओं वाले, इस तरह से आपको ये खेल खेलना है और खेल सकते हो ये। फिर आगे क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्द कोश में से ढूंढकर तेजी से कौन बताता है। तो सबसे पहला शब्द है कुक, यानी कोयल की बोली। इरादा, संकल्प या निश्चय भी कह सकते हैं। तरुवर, बड़ा सा पेड़। मुग्ध यानी मोहित। गुजारिश यानी निवेद। तो ये थे शब्दों के अर्थ। स्वाध्याय में मैं कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे कि चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो कब गाती है, सवेरे, बहुत सवेरे चिड़िया खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आते हैं, तो आपको अपनी तरफ से इसमें लिख सकते हो कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, पंछी चहचहाने लगे हैं, तो और आसपास की जो क्रिया है वो आप यहाँ बता सकते हो। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि वीरान पड़ी धरती पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है, तो यहाँ हमारी काव्य पंक्ति में ही आ गया है कि मैदानों में और वन बागों में हरियाली लहराती है। तो काव्य पंक्तियों का भावार्थ जो हमने कविता में समझ लिया है, दोनों कविता का, जो कविताओं का भावार्थ है वो। आगे का प्रश्न है कि समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। हमें एक शब्द बॉक्स दिया गया है, उसमें ही हमें समानार्थी शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको ढूंढना है। तो पांच शब्द दिए हैं, शुभ, खुशी, खुशबू, बहुत, मुस्काना। तो सुबह का हमें प्रातःकाल इसमें दिया गया है। तो इसका वाक्य दिया है कि पुस्तकालय में प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग, बड़े सुबह, सवेरे सवेरे, बराबर। तो इनका वाक्य हमें, जो समानार्थी शब्द दिया है उनका हमें वाक्य बनाना है। तो दूसरा है खुशी, तो शब्द बॉक्स में हमें शब्द दिया है आनंद, इसका समानार्थी शब्द होगा आनंद। खुशबू यानी सुगंध। बहुत तो ज्यादा। मुस्काना तो हंसना। तो इनका वाक्य हमें खुशी का नहीं बनाना है पर आनंद का, यह खेल खेलने में मुझे आनंद आता है, या कोई भी दूसरा वाक्य भी आप अपनी तरफ से बना सकते हो। खुशबू तो सुगंध, फूलों की सुगंध अच्छी होती है। बहुत यानी ज्यादा, मैंने आज बहुत ज्यादा काम किया, बराबर, ये भी कर सकते हैं। मुस्काना या हंसना, हंसना हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो बच्चों यहाँ चित्र में हमें नाम दिए हैं, हाँ, जो कुछ व्यक्ति दिखाई दिए हैं उसमें नाम भी लिखना है, और बॉक्स में आप नाम भी लिख सकते हो। तो आप ये जो क्रिया है वो घर पर आप कर सकते हो। उठकर, फिर एक शब्द दिया है हमें, पर इसका आगे हमें दिया है मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया, उठकर। तो सबसे पहले उठकर के बाद स्वर, उठकर है वो स्वर वाला शब्द है, सबसे पहले ऊ है, तो अब कोई स्वर वाला शब्द नहीं है। तो व्यंजन में सबसे पहले कौन सा व्यंजन आएगा, तो क यानी कलियां। दूसरा शब्द आएगा कलियां, और तीसरे डिब्बे में क्या आएगा, चांद, बराबर। तो पहला उठकर, फिर कलियां, फिर चांद, फिर हमें है मैदान और मुस्कान। तो मुस्कान पहले आएगा, मैदान बाद में। तो यहाँ है सबसे पहले उठकर, कलियां, चांद, मुस्कान और मैदान। इस तरह शब्द कोश के हिसाब से आप शब्द अरेंज कर सकते हो। तो इसके बाद है योग्यता विस्तार। तो यहाँ आपको सामासिक शब्द दिए गए हैं कि चमचम, छमछम, खोल खोल, ठंड ठंडी ठंडी। तो ऐसे दूसरे शब्द भी आपको ढूंढने हैं, और
इसको आपको बोलना है, तो इस तरह आप ये भी जान पाओगे। और ये कविता कंठस्थ करके आपको प्रार्थना में आप बोल सकते हो, इसको भी प्रार्थना का ही रूप है, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे शब्द आप ढूंढना, और इससे आपको जानकारी भी मिलेगी और कविता भी कंठस्थ हो जाएगी। आशा है कि आपको पूरी कविता, अभ्यास, अध्याय और शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।